आईपीएल के इस रनवे के ऊपर किंग कोहली का जो जहाज है वो काफी अच्छे से उड़ा, काफी अच्छी लैंडिंग उसने की और 54 गेंदों में 73 रन की पारी खेली और इस पारी से उन्होंने ये दर्शा दिया है कि फॉर्म में वापसी हुई है और फॉर्म उनका वापस आ गया है, तो ये वर्ल्ड कप के लिहाज से भी काफी अच्छी चीज है। हालांकि दोस्तों ये फॉर्म कोहली का आखिरी मैच में आया है जहां पर ये लीग फेज का आखिरी मैच था और अब आरसीबी जो है वो डिपेंड कर रही है दिल्ली के ऊपर कि दिल्ली वो मैच हारे मुंबई से, मुंबई वो मैच जीते। और दोस्तों इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि मैच के बाद फाफ डुप्लेसिस से सवाल पूछा गया था इसी बारे में, तो फाफ डुप्लेसिस ने क्या जवाब दिया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर से देखिएगा। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो भैया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2022 का 67वां मुकाबला खेला गया और दोस्तों ये आखिरी वीक है इस आईपीएल लीग फेस का और आईपीएल का। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि मतलब टीम जो है वो एक अच्छा फिनिश करें, मतलब अच्छा फिनिश करें। तो यहाँ पर इस मुकाबले में टॉस जीता था गुजरात ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 168 रन बनाए जिसमें विद्यमान शाह के 31 थे, इसके अलावा डेविड मिलर के 34 और इम्पॉर्टेंट हार्दिक पांड्या के 62 रन की पारी थी और बाकी कोई भी बल्लेबाज कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाया। वहीं पर गेंदबाजी में बात करें तो हर्षल पटेल केवल एक ओवर डाल पाए और वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो इंजरी जो है वो ज़्यादा सीरियस ना होगी। वनिंदु हसरंगा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, इसके अलावा मैक्सवेल ने अच्छी गेंदबाजी करी, हेजलवुड ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, सिद्धार्थ गोल थोड़ा सा महंगे साबित हुए लेकिन बाकी ओवरऑल सभी खिलाड़ियों ने अच्छी गेंदबाजी जो है वो करी है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन का टारगेट जो है वो गुजरात ने रखा। वहां पर दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक अच्छी शुरुआत की, किंग कोहली इस बार कुछ अलग ठान कर आए थे और लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और शुरुआती पावर प्ले में किंग कोहली के बल्ले से 6 चौके निकले थे जो कि अभी तक इस सीज़न में निकला नहीं। और दोस्तों उसके पीछे एक टेक्निक थी जो कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया अपनी टेक्निक में, अपनी खेलने की टेक्निक में, उसकी वजह से वो इसमें सफल हो पाए हैं। और कोहली ने 54 गेंदों में 73 बनाए, फाफ डुप्लेसिस मतलब थोड़ा सा साथ देते हुए नजर आए कोहली का, 38 गेंदों में 44 रन की पारी खेली और 5 चौके लगाए। इसके अलावा आखिर में अगर ग्लेन मैक्सवेल ने गेम फिनिश किया, 18 गेंदों में 40 रन, 222 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए गेम को फिनिश किया और आरसीबी ने यह मैच जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब जो आरसीबी की जीत है ना वो तो आ गई है, 16 पॉइंट पर तो आ गई, लेकिन अब जो मैच होगा 21 तारीख को शनिवार को उस पर डिपेंड करेगी आरसीबी और सारे आरसीबी फैंस दिल्ली और मुंबई का मैच चिपक कर देखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि मुंबई उस मैच में दिल्ली को हरा दे। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि क्वालिफायर 2 में या फिर हम कह सकते हैं क्वालिफायर 1 में भिड़ेगी टीम, या फिर माफ़ कीजिए क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी जो भी तीसरे नंबर पे पोजीशन पे टीम होगी उससे। यहाँ पर उम्मीद तो है कि राजस्थान रॉयल्स तीसरे पर ही रहेगी तो राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला होगा अगर मुंबई जीत जाती है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो आरसीबी प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। और दोस्तों इसी को लेकर मैच के बाद यहाँ पर फाफ डुप्लेसिस से सवाल पूछा गया कि यहाँ से आपके क्या मायने हैं, तो दोस्तों फाफ डुप्लेसिस ने कुछ बयान दिए, उन्होंने बोला कि इस सीज़न में हमारे साथ बहुत कुछ घटा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे लिए सही हुई हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए गलत भी हुई हैं, मतलब कुछ मैचेस हैं वो सही नहीं गए, लेकिन अब शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से हमारी फॉर्म थी उसके हिसाब से हमको टॉप टू में होना चाहिए था लेकिन हम वैसा नहीं कर पाए, तो ये ज़रूर निराश करने वाली चीज़ है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें मतलब प्लेऑफ में क्वालिफाई होना है और टाइटल जीतना है और उसके लिए मैं रोहित शर्मा से ये गुहार करता हूं कि वो इस मैच में जीते, इस मैच में वो स्कोर करें और मुंबई इस मैच में जीते ताकि हम क्वालिफाई हों और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास में है, एनवायरनमेंट अच्छा है, टीम में सारा माहौल अच्छा है, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम इस बार ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा अब मुंबई के ऊपर, क्योंकि इतना आगे आने के बाद में आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ सही होनी चाहिए, तो यहाँ पर मुंबई के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है 21 मई को। दोस्तों आपके हिसाब से क्या मुंबई दिल्ली को हरा पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।